हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ गणित के अध्याय 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। तो आइए जानते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न एक वह संख्या है जो एक पूर्ण संख्या का अंश होती है, या ये कहें कि एक पूर्ण संख्या के अंश को निरूपित करने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास एक सेब है और मैं उसको अपने दोस्त के साथ बांटना चाहता हूँ, तो मैं उसके दो बराबर भाग करूँगा। एक भाग अपने पास रखूँगा और एक भाग अपने दोस्त को दूंगा। तो मैंने उस पूर्ण यानी उस पूरे सेब के दो अंश कर दिए बराबर बराबर। तो उसका 1/2 भाग मेरे पास है, 1/2 भाग दोस्त के पास है। तो वही 1/2 है, वो एक भिन्न है, वो एक पूर्ण का अंश है। यह पूर्ण संख्या एक पूरी वस्तु भी हो सकती है, अकेली वस्तु भी हो सकती है, और अनेक वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। तो यह है भिन्न के बारे में कि भिन्न एक वह संख्या है जो एक पूर्ण संख्या के या किसी पूर्ण के एक अंश को निरूपित करती है, और यह पूर्ण संख्या है जो वो एक अकेली भी हो सकती है या अनेक वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 1/2, तो 1/2 है वो एक भिन्न है। दूसरी बात, भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 के अंदर एक एक अंश है और दो एक हर है, तो अंश बटे हर ये भिन्न का एक रूप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 7.1 पर चलते हैं। प्रश्नावली 7.1, प्रश्न संख्या 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यहाँ पर आकृतियाँ दी हुई हैं, उनके कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है, यानी उसके अंदर कलर किया हुआ है। तो हमें इन छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न बतानी है कि जो इसका जो छायांकित भाग है ये किस भिन्न को निरूपित करता है। पहला भाग है, यहाँ पर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के 4 बराबर भाग किए हुए हैं, जिनमें से मैंने 2 भागों को छायांकित किया हुआ है पेंसिल से। तो हमें बताना है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर एक ये पूर्ण आकृति है जिसके 4 भाग हैं और 2 भागों को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी 2/4। 2 भाग हैं वो छायांकित हैं और कुल भाग हैं 4, तो 2/4। आकृति नंबर 2 के अंदर यहाँ पर इस आकृति के 8 समान भाग किए हुए हैं, बराबर बराबर 8 भाग, सॉरी 8 नहीं 9 भाग, बराबर बराबर 9 भाग किए हुए हैं और उन 9 भागों में से 8 भाग को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो 8/9, तो इसको हो जाएगा 8/9। तीसरा है, इस आकृति के अंदर 8 गेंदे दे रखी हैं, कुल गेंदे हैं 8, जिनमें से 4 गेंदों को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी 4/8। छायांकित भाग हैं 4 और कुल भाग हैं 8, तो 4/8। चौथी आकृति के अंदर एक वृत्त है और इस वृत्त के 4 समान भाग बराबर भाग किए हुए हैं, इन 4 भागों में से एक भाग को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी 1/4, यानी कि इसका चौथा भाग है जो उसको छायांकित किया हुआ है, तो 1/4। आकृति नंबर 5 है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात समान भाग किए हुए हैं, उन 7 भाग में से 3 भागों को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी 3/7। आकृति नंबर 6 के अंदर 12 फूल बनाए गए हैं, इन 12 फूलों में से 3 को छायांकित किया हुआ है,
तो भिन्न हो जाएगी 3/12। इसी प्रकार आकृति नंबर 7 के अंदर 10 पेंसिलें हैं कुल, और 10 की 10 पेंसिलों को छायांकित किया हुआ है। सारी पेंसिलें 10 हैं और 10 की 10 पेंसिलों को छायांकित या रंग किया हुआ है, तो कुल छायांकित भाग है 10 और कुल पेंसिलें भी हैं 10, तो भिन्न हो जाएगी 10/10। आकृति नंबर 8 के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के बराबर बराबर 9 भाग किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 में से 4 भाग को छायांकित किया हुआ है, तो यहाँ पर छायांकित भाग हैं 4, कुल भाग हैं 9, तो भिन्न हो जाएगी 4/9। इसी प्रकार आकृति नंबर 9 के अंदर एक फूल की पत्तियां हैं, इनमें से कुल पत्ती हैं यहाँ पर 8, जिनमें से 4 को छायांकित किया हुआ है, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी 4/8। छायांकित भाग हैं 4 और कुल भाग हैं 8, तो 4/8। आकृति नंबर 10 के अंदर यहाँ पर एक कॉकरोच है, कोई इसकी आकृति बनाई हुई है, इसको 2 बराबर भागों में काट दिया गया है, बीच में एक रेखा खींची गई है, 2 समान भाग कर दिए गए हैं इसके, तो इसके अंदर आधे भाग को छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न हो जाएगी 1/2। छायांकित भाग बटे कुल भाग, छायांकित भाग है 1 और कुल है भाग 2, तो 1/2, तो ये इसको निरूपित करने वाली भिन्न हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है, वहां पर हमें छायांकित भाग दिए हुए थे और भिन्न को दर्शाना था, यहाँ पर भिन्न दी हुई है और भिन्न के अनुसार हमें भागों को छायांकित करना है। तो पहले पार्ट के अंदर, पहले भाग के अंदर एक आकृति है वृत्त की, जिसके 6 भाग किए गए हैं और हमें 1/6 भिन्न को छायांकित करना है, तो कुल भाग हैं 6 और यहाँ पर हमें छायांकित करना है 1 भाग को, तो हम किसी भी 1 भाग को छायांकित कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका 1/6 भाग छायांकित हो जाए। इसी प्रकार है आकृति नंबर 2, त्रिभुज के 4 बराबर भाग किए गए हैं, उन 4 भागों में से हमें 1 भाग को छायांकित करना है, क्योंकि भिन्न है 1/4, कुल भाग हैं 4 और 1 भाग को हमें छायांकित करना है, तो किसी भी 1 भाग को, उन चारों में से किसी भी 1 भाग को हम छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार है आकृति नंबर 3, इस आयत के 3 बराबर भाग किए गए हैं, ये आकृति है इसके 3 बराबर भाग किए गए हैं, 1/3 भाग को हमें छायांकित करना है, 1/3 कुल भाग हैं 3, 1 भाग को छायांकित करना है, जिसके किसी भी 1 भाग को हम पेंसिल से छायांकित कर देंगे। तो ये इसका 1/3 भाग छायांकित हो जाएगा। इसके बाद है आकृति नंबर 4। आकृति नंबर 4 के अंदर एक वृत्त है, उसके 4 बराबर भाग किए गए हैं, हमें 3/4 भिन्न के अनुसार इसको छायांकित करना है, यानी इसके 3/4 भाग को छायांकित करना है, कुल भाग हैं 4, तो हमें 3 भागों को छायांकित करना है, कोई भी 3 भाग, 1 भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा, और तीसरा भाग ये हो जाएगा, कोई भी 3 भाग हमें छायांकित करने, तो ये 3/4 भाग इसका छायांकित हो गया। आकृति नंबर 5 है, यहाँ पर इस आकृति के 9 बराबर भाग दिए गए हैं और 4/9 भाग को हमें छायांकित करना है, कुल भाग है 9, तो इसके हम 4 भाग, कोई भी 4 भाग छायांकित कर देंगे।
चार भाग आप कोई से भी कर सकते हैं। ये पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, ये तीसरा भाग, और इनमें से कोई भी एक भाग ये कर सकते हैं, ये कोई भी एक भाग। तो हम इस भाग को छायांकित कर रहे हैं, तो हमारे कुल चार भाग, नौ में से चार भाग छायांकित हो गए। तो ये हो जाएगा 4/9 भाग इस आकृति का छायांकित हमने कर दिया है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। यहाँ पर हमें तीन आकृतियाँ दी हुई हैं और उनके कुछ भाग को पहले से ही छायांकित किया हुआ है और साथ में हर एक आकृति के साथ एक भिन्न दी हुई है। पहली आकृति है एक त्रिभुज की, जिसके अंदर इसके कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है और कुछ भाग को छोड़ रखा है, और भिन्न का दे रखा है 1/2, यानी कि ये कहा गया है कि इस त्रिभुज का 1/2 भाग छायांकित है। तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है, और गलत है तो इसमें क्या गलत है। तो पहली आकृति है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आकृति के दो बराबर भाग नहीं किए गए हैं। छायांकित किया गया है उसमें आधे से ज़्यादा भाग को छायांकित किया है और कम भाग को छोड़ रखे हैं, यानी बराबर भागों को छायांकित नहीं किया गया है। तो 1/2 जो भिन्न है वो छायांकित भाग को नहीं दर्शा रही। इसी प्रकार आकृति नंबर 2 के अंदर आयत के चार भाग किए गए हैं और चारों भाग समान नहीं हैं। दो भाग समान है, दो भाग समान है, चारों भाग एक समान नहीं है। तो ये आकृति भी, इसका जो छायांकित भाग है वो 1/4 को नहीं दर्शाता। ये हम कह सकते हैं कि 1/4 छायांकित भाग को नहीं दर्शाती। इसी प्रकार आकृति नंबर 3 एक वृत्त है जिसके चार भाग किए गए हैं, 1, 2, 3 और 1/4, और चार भाग में से तीन भागों को छायांकित किया गया है, लेकिन ये तीन भाग हैं, चार भाग कुल, ये चारों भाग समान नहीं हैं। कोई भाग छोटा है, कोई भाग बड़ा है। तो यहाँ पर चारों भाग समान होने चाहिए थे, लेकिन चारों भाग समान नहीं हैं, इसलिए छायांकित भाग है वो 3/4 नहीं है। या हम कह सकते हैं कि दी गई भिन्न जो 3/4 है वो छायांकित भाग को नहीं दर्शाती। तो इन तीनों ही आकृतियों के अंदर हम लिखेंगे कि तीनों आकृतियों में गलती है, और गलती क्या है, वो गलती ये है कि दी गई भिन्न छायांकित भाग को नहीं दर्शाती। इन आकृतियों के सामने जो भिन्न दी गई है, इस आकृति के लिए 1/2, इस आकृति के लिए 1/4, इस आकृति के लिए 3/4, जो दी गई भिन्ने हैं ये छायांकित भाग को नहीं दर्शाती, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर भाग नहीं किए गए हैं। प्रश्न संख्या 4, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? हमें बताना है कि 8 घंटे है वो एक दिन की कौन सी भिन्न है। पहले हम दिन को घंटे में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन बराबर है 24 घंटे, तो यहाँ पर हमें बताना है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 8/24, ये आ जाएगा, काटेंगे इसको 8 से, 8 एकम 8, 8 3 24, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 1/3, क्योंकि हमें 8 घंटे की एक दिन से बताना है कि इसके कौन सी भिन्न है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? इसी प्रकार ये सवाल है, 40 मिनट एक घंटे की। तो सबसे पहले हम घंटे को मिनट में बदलेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो
तो हम बताएंगे 40 मिनट 60 मिनट की कौन सी भिन्न है। तो भिन्न हो जाएगा 40 मिनट, 40/1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 40/60। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये आएगा 2/3, तो भिन्न हो जाएगा 2/3। तो बच्चों हमारे 5 सवाल यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे सवाल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।